अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे भाई। तो अपने बर्ड्स के पास आ गए, सब हंसी खुशी भाई रह रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह से भाई। बाकी मुर्गी को हमने अंडों पे बिठा दिया, 9 अंडे हैं इसके ऊपर, इसको हमने बिठाया है। थोड़ी सी सेटिंग भी चेंज की, आप लोग देख रहे होंगे, एक केज यहाँ पे आ गया है, एक केज यहाँ पे आ गया है। बाकी इनको खोला हुआ है हमने, ये वाले रह गए, इनको भी खोल देता हूँ। हाँ क्या हुआ, अभी मिलेगा खाना, मिलेगा ये रहा भाई। और यहाँ पे दाना छोड़ देता हूँ मैं, ताकि ये लोग चुपते रहें, खाते रहें दाना ना। बाकी क्या सफाई वफाई करेंगे, ये क्या हो गया, इसको क्या हो गया। हाँ भाई चप्पल है ये, क्या हो गया। हाँ हाँ माशाल्लाह से भाई वाइट फ्लावर आया हुआ है एडिनियम में, ये देख लें। अच्छा आज मैं गया था बाहर तो मुझे नीम के पौधे दिख गए, और उनकी नीम कोली भी ना नीचे गिरी हुई है, तो उसको भी मैं कलेक्ट करके फिर आपको बताऊंगा किस तरह से मिट्टी में लगा लेना, और उम्मीद होगी कि पौधे उसमें से तैयार हो जाए। अभी पानी देना है इन सब पौधों को, इसको खोल देते हैं, ये रह गई है। आ जाओ बकेर को भी खोल दिया भाई। माशाल्लाह। हाँ भाई क्या हो गया चिकू, मिलो अपने दोस्तों से भाई। ये अभी अलग अलग रहता है, अलग रखा था ना इस वजह से। तो भाई इसको कूट दिया हमने, ताकि जावा और फिंच वगैरह इजीली खा लेना। कॉकटेल को तो मसला नहीं हो, कॉकटेल को तो मैं ऐसे ही दूंगा, और लवबर्ड को भी इतना मसला नहीं हुआ, लेकिन इनको जावा फिंचेस के लिए थोड़ा मसला होता है, तो इसलिए इनको कूट दिया। अब मैं इनको खाने को देता हूँ, ये देख रहा है मजे से भुट्टा खा रहे हैं। पीस के दे दिया ना तो इनको आसानी हो गई। इनके लग बजी को तो वही देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मुर्गी को पानी चाहिए, पानी देता हूँ। माशाल्लाह भाई इसको पानी दे दिया। तो दोस्तों इनको क्वारंटाइन करा दिया था, अब इसको हम इसका शिफ्ट कर देंगे बड़े केज में, ऐसा कि अभी ये चूजे पट्टे हैं अपने एडल्ट आने के लिए, अभी पट्टे हैं तो इनको भी 2-3 महीने लगेंगे एडल्ट होने में, तो इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे हम इस वाले केज में, ठीक है। जाओ भाई जाओ, मजा आ गया भाई, नया घर आ गया। भाई बोतल ले आया मैं ठंडे पानी की, इससे स्प्रे करूंगा। ये देख लें, ये बहुत हाँप रहे हैं भाई, ये देखो कैसा मजा आ रहा है इनको। तो भाई इस तरह से ख्याल रखना पड़ता है, ये देखें। ताकि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके।